जब वो सत्संग की व्यस्तता से मुक्त होता है तब कहीं मरसिया मनाने की व्यस्तता आती है ना। काज सदाने मर गए, काज उनके एक्सीडेंट हो गया है ना, काज उनके ब्याह पड़ गया है ना। सत्संग की व्यस्तता नहीं रहेगी तो संसार की व्यस्तता तो रहेगी। व्यस्तता से तो तुम कभी मुक्त नहीं हो सकते, कोई न कोई काम धंधा तो करना ही पड़ेगा। अरे कान से सत्संग नहीं सुनोगे तो पड़ोसी की बात तो सुननी पड़ेगी ना है। कान तो खाली रहेंगे नहीं, कुछ न कुछ सुनना ही पड़ेगा। तो तद विद्वांसो विपश्चितः जाग्रीवांसः समुन्दते समिन्दते। जाग्रीवांसः का अर्थ जागते हुए, जागो है ना। अरे भाई जागो, जाग जाग रे फकीर का बाल का, जागो फकीर के बाल को जागो। क्या है देखो देखो, क्या देखें महाराज? तद विद्वान तो उसको पहचानो, उसको देखो। कैसे पहचानोगे? ये जो हजारों में लाखों में, जैसे अपने प्रीतम का लोग वर्णन करते हैं ना, बोले हमारा तो लाखों में एक है, हजारों में एक है। अपने प्रीतम का वर्णन करते हैं तो ऐसे करते हैं, हजारों में एक, लाखों में एक है वो जिससे हम प्रेम करते हैं। अरे भाई वो तत्व वो है जो हजारों में, लाखों में, करोड़ों में, सब में है ना, सब में एक ही है। तो वो कैसे दिखाई पड़ता है? विपन्यवाह, विपन्यवाह का अर्थ है पैणियों, जिनका मन काम धंधे में व्यवहार में रच पच जाता है उनको उसका पता नहीं चलता। ऐसा है माने जरा उस एकता की ओर अपनी आंख ले चलो तब मालूम पड़े। तद विष्णु परमम पदम का प्रश्न ये हुआ कि ये जो विष्णु का परम पद है इसके अनुभव की प्रणाली क्या है, किस ढंग से हम इसका अनुभव करें, उसको ढूंढने के लिए, देखने के लिए वैकुंठ में जाएं कि गोलोक में जाएं कि साकेत में जाएं कि कैलाश में जाएं कि समाधि में जाएं हैं। ये देश परिच्छिन्न है वैकुंठ आदि, और काल परिच्छिन्न है समाधि आदि हैं, और क्रिया परिच्छिन्न है स्वर्ग नरक आदि। स्वर्ग नरक का लगाव काहे से है? कर्म से हैं। और समाधि का लगाव काहे से है? का उतने काल तक प्रपंच का दर्शन न होने से। काल परिच्छिन्न है समाधि, और देश परिच्छिन्न है वैकुंठ आदि, और क्रिया परिच्छिन्न है स्वर्ग नरक आदि। कर्म से परिच्छिन्न होते हैं। बोले परमात्मा को कहां ढूंढे? करे बाबा जरा भीतर तो आ। उस विष्णु पद के अनुभव की प्रणाली यह है कि आंख से भीतर अर्थ, अर्थ से भीतर मन, मन से भीतर बुद्धि, बुद्धि से भीतर महत्तत्व, महत्तत्व से भीतर अव्यक्त बीजात्मक सत्ता, और उससे परे प्रत्यगात्मा, उससे विलक्षण अपना आपा, और इससे विलक्षण कुछ नहीं। माने विष्णु का परम पद कौन? बोले अपना आपा है। ये देखो दो मंत्र, ये दो मंत्र ये बताने के लिए हैं कि विष्णु का परम पद कौन? का अपना आत्मा ही
विष्णु का परम पद है। तो इंद्रिये भी परा यर्था अर्थे भ्यश्च परम मनः मनसस्तु परा बुद्धि बुद्धेरात्मा महान परः महतः परम अव्यक्तम् अव्यक्तात् पुरुषः परः पुरुषान्न परम किंचित सा काष्ठा सा परा गतिः इंद्रिये भ्यः परा यर्था। यहां पर शब्द का जो अर्थ है वो ध्यान में लाने योग्य है। पर शब्द का अर्थ है सूक्ष्म, पर शब्द का अर्थ है कारण, पर शब्द का अर्थ है प्रत्यक्षम अंतरंग, पर का अर्थ है प्रकाशक। पिपर्ति इति परः प्रिय पालन पूरणयो, जो सामने वाले का पालन करे और सामने वाले को पूर्ण करे उसको बोलते हैं पर। तो इंद्रिये भी परा यर्थाः। अब जरा इंद्रियों के गोलक की तरफ ध्यान दो, ये आंख है, ये आंख और कुछ नहीं है। जैसे फूल खिलता है ना धरती में, एक बीज होता है उसको धरती में डाल दो, धरती में पड़ा हुआ बीज गुलाब के रूप में खिलेगा ना, वो गुलाब का बीज होना चाहिए। ऐसे ये शरीर तो है धरती बोला, और इसमें कोई आंख का बीज है, कोई कान का बीज है, कोई नाक का बीज है, कोई जीभ का बीज है। ये बीज खिल खिल के फूल के रूप में, कनेर के फूल की तरह है ना, कनेर की फूल की तरह नाक बन गई, कमल के फूल की तरह, गुलाब के फूल की तरह आंख बन गई, कमल के फूल की तरह कान बन गया। तो ये जैसे फूल खिलते हैं धरती में, वैसे ये हमारे शरीर में फूल सरीखे खिले हुए हैं। अब ये जिस धातु में है वो धातु कौन सी है उसको अर्थ बोलते हैं, या अर्थ शब्द से उसका ग्रहण किया, वो तत्व है। उस पंचभूत को देखो जिसमें ये इंद्रियों के फूल खिलते हैं, वो पंचभूत कौन सा है। तो जैसे गंध प्रधान पृथ्वी, रस प्रधान जल है ना, और रूप प्रधान तेज, स्पर्श प्रधान वायु, शब्द प्रधान आकाश होता है, तो उसमें ग्राह्य और ग्राहक दो भेद है। जो ज्ञान प्रधान है सो ग्राहक है, और जो जड़ प्रधान है सो ग्राह्य है। तो जड़ शब्द ज्ञान शब्द के द्वारा गृहित होता है, माने आकाश के दो भेद हैं, एक ग्राहक आकाश एक ग्राह्य आकाश। तो ग्राह्य आकाश का नाम शब्द है, और जिसमें ज्ञान आरूढ़ हो जाता है, उस चैतन्य जिसमें स्फुट हो गया वो ग्राहक आकाश हो गया, कान बन गया, और जिसमें चैतन्य स्फुट नहीं रहा वो ग्राह्य आकाश शब्द बन गया। तो चैतन्य दोनों में है, परंतु एक जगह ग्राह्याकार रूप से स्फुरित चैतन्य है और एक जगह ग्राहकाकार रूप से स्फुरित चैतन्य है। तो एक शब्द है और एक अर्थ है। तो शब्द जो है वो कान से सुना जाता है, कान के द्वारा शब्द सुना जाता है, कान में शब्द को जानने की जो शक्ति है, और शब्द में जो सुनाई पढ़ने की शक्ति है, ये दोनों किसमें, वो चैतन्य युक्त आकाश में, आभास युक्त आकाश में। आभास युक्त आकाश को ही तो जीव बोलते हैं, और जीव क्या होता है। तो इंद्रिये भी परा यर्था, इंद्रियों से परे अर्थ है, और अर्थ से परे और मन है। अर्थ किसको कहते हैं, अर्थ शब्द का दो अर्थ संस्कृत भाषा में प्रदत्त है। एक तो अर्थ माने आप जानते हैं, अर्थशास्त्री लोग होते हैं ना, अर्थशास्त्री पूंजी पैसा हो, तो अर्थ्यते इति, जिसको लोग चाहें उसका नाम अर्थ। अर्थ माने वांछा का विषय, अर्थ्यते अर्थनीय।
ये न वस्तुना मनुष्य अर्थी भवती, जिस वस्तु को देख करके मनुष्य अर्थी हो जाता है, ये हमको मिले प्रार्थी हो जाता है, है ना, वो अर्थ है। और एक होता है अर्थ शब्द का अर्थ, इयर्ती इति अर्थः रिगतौ, इयर्ती गच्छति, जो बदलता रहे उसको अर्थ बोलते हैं। असल में अर्थशास्त्र की मर्यादा भी अर्थ शब्द के इसी अर्थ पर अवलंबित है, जो चलता फिरता रहे सो अर्थ, और जो घर में गड़ा रहे सो अर्थ नहीं, है ना। बैंक में रहे और चले, है ना, कारखाने में रहे और चले, है ना, एक दुकान से दूसरी दुकान में जाए, एक घर से दूसरे घर में जाए, एक हाथ से दूसरे हाथ में जाए, तब तो अर्थ, नहीं तो अगर धरती में गाड़ दिया गया, तिजोरी में जमा कर दिया गया, तो अर्थ नहीं रहा, अनर्थ हो गया। जो एक जगह रखने पर अनर्थ का कारण हो गया है और चलता फिरता रहे तो भोग और धर्म का कारण हो गए, उसको अर्थ कहते हैं। अब आओ, ये अर्थ शब्द है ना, अर्थ माने जिसमें इंद्रियों के अंकुर निकलते हैं, वो बीज समष्टि, उस बीज समष्टि का नाम अर्थ है जिसमें से इंद्रियों के अंकुर निकलते हैं। ऐसी वस्तु कौन सी है कि विष्णु परमम पदम, विष्णु का परम पद। अब वो विष्णु का परम पद जो है वो कहां है, क्या है? बोले महाराज जरा यहीं आ जाओ, इंद्रियाणि प्राणि आहु, गीता में ऐसे इंद्रिये भ्यः पराः अर्थाः अर्थे भ्यश्च परम मनः, मनसस्तु परा बुद्धिः, बुद्धेरात्मा महान् परः, महतः परम अव्यक्तम्, अव्यक्तात् पुरुषः परः, पुरुषान्न परम किंचित्, साकाष्ठा सा परा गतिः। ये कहते हैं कि वो विष्णु पद ये पुरुष ही है, यही इस प्रसंग का गुर है, सार है। अगर आप किताब पढ़ के ये बात समझ लेते हैं तो बहुत बढ़िया, और किताब पढ़ के अगर ये बात आपकी समझ में नहीं आती तो प्रवचन सुनिए कि तद विष्णु परमम पदम क्या है, और पुरुषान्न परम किंचित साकाष्ठा सा परागति ही। ये पुरुष ही पराकाष्ठा है, ये पुरुष ही परागति है, इस पुरुष से परे कुछ और नहीं है, अर्थात विष्णु परमम पदम पुरुष एव। इसका अर्थ ये हुआ कि विष्णु का परम पद ये पुरुष, ये आत्मा, ये अपना मैं, ये ही विष्णु का परम पद है। विष्णु का परम पद लिखाने के लिए ये दो मंत्र प्रवृत्त हुए हैं। अच्छा भाई, तब आत्मा तो सन्निहित है, बिल्कुल पास। अरे पास कहना भी आत्मा को दूर बताना है, जो अपना आप ही है उसको पास क्यों बताना? हम ये थोड़ी कहते हैं कि हम अपने पास हैं। कोई मित्र होता है तो कहते हैं ये हमारे पास है, धन होता है तो कहते हैं हमारे पास है, हम खुद होते हैं तो ये थोड़ी कहते हैं कि हम हमारे पास हैं। तो ये विष्णु का परम पद हमारे पास ही नहीं है, खुद हम ही हैं। ये बात बताने के लिए ये वेद मंत्र दोनों हैं। अब आपको इसको मंत्रारूढ़ करते हैं माने अपने आप को जो हमने गलत समझ लिया है कि मैं देह हूं, मैं इंद्रिय हूं, मैं मन हूं, मैं बुद्धि हूं, है? मैं भूत सूक्ष्म हूं, मैं अव्यक्त हूं, ऐसा जो अपने बारे में जो गलत फहमी हो गई है
उस गलत फहमी को दूर करने के लिए ये विज्ञान है, ये ज्ञान है। तुम अपने ही अता पता भूल गए हो, तुम हो विष्णु के परम पद पराकाष्ठा, तुम हो परागति, तुमसे परे कुछ नहीं, ऐसी तो तुम्हारी महिमा, ऐसा तो तुम्हारा स्वरूप है। और तुम इस अपने महिम महामहिम स्वरूप को छोड़ करके हो सम्राट और अपने को समझ रहे कंगाल, हो परिपूर्ण और अपने को समझ रहे परिच्छिन्न, हो अकाल और समझ रहे मरने जन्मने वाला, हो चैतन्य अपने को समझ रहे जड़, हो निष्पाप समझ रहे पापी, निर्मल न पाप न पुण्य सबसे निर्मल, ऐसा अपना स्वरूप। परंतु अपने ही बारे में ऐसी गलत फहमी हो गई है, भ्रम हो। जैसे शरीर में गलत कुष्ठ हो जाता है ना, वो ऐसी ये गलत जिसको बोलते हैं ना, गलती ऐसी चीज है, ये गलंती है, गलत है। तो आओ इस पे विचार करें, इंद्रिय भी परा यर्थाः, ये संसार में जो विषय दिखते हैं इनसे परे कौन है, इनसे परे इंद्रियां हैं, इंद्रियाणि पराणि याहुः। वो गीता प्रेस वाली पुस्तक की हिंदी में जो अर्थ लिखा है इसका वो गलत है बोला। तो इंद्रियों के परे अर्थ है, वहां अर्थ शब्द का अर्थ विषय नहीं है, इंद्रियों का उपादान है। वो शंकर भाष्य में बिल्कुल स्पष्ट है, वो अनुवादक ने समझा नहीं है। स्थूलानि तावत इंद्रियाणि, इंद्रियां स्थूल हैं, तानि जयि अर्थैहि आत्म प्रकाशनाय आरब्धानि तेभ्यः इंद्रियेभ्यः स्वकार्येभ्यः ते पराहि अर्थाः। जिन उपादानों से अपने को प्रकाशित करने के लिए इंद्रियां जाहिर हुई हैं, उन अपने इंद्रिय रूप कार्य से अर्थ परे है। माने विषय तो वो है जो बाहर हमको शब्द स्पर्श रूप रस गंध दिखाई पड़ता है, और इंद्रिय वो है जिससे दिखाई पड़ता है। अब इंद्रियां जिस मसाले से बनी हैं, उस मसाले का नाम अर्थ है। इंद्रियों से जो दिखता है उसका नाम अर्थ नहीं है, जिस मसाले से इंद्रियां बनी हैं उसका नाम अर्थ है। ये बात कल हमको प्रबुद्धानंद ने बताई, क्योंकि कल मैं इस मंत्र का यहां अर्थ करके गया ना, तो इन्होंने वहां बताया कि इसमें तो ऐसे लिखा है। तो तो इंद्रियेभ्यः पराह्यर्थाः। अब जरा इंद्रियों की बात भी आपको सुना, क्योंकि ब्रह्म की बात बहुत सुनते हैं, थोड़ी इंद्रिय की बात भी सुननी चाहिए। किसी भी एक धातु में जब अनेक रूप और अनेक नाम वाले अनेक रूप बनते हैं और अनेक कार्य करते हैं, तब उनके बारे में सोचना पड़ता है कि ये वाई चांस बन गए हैं कि बनाए गए हैं, हैं? देखो एक ही शरीर में नाक गंध का ज्ञान देती है और आंख रूप का ज्ञान देती है और कान शब्द का ज्ञान देता है। पूछो उन लोगों से महाराज जो एक ही सत्ता सारी सृष्टि में मानते हैं, जड़ रूप या चेतन रूप, उनके मत में ये ज्ञान के पांच प्रकार कैसे पैदा हुए? अपने आप ही पैदा हो गए तो सब मनुष्यों के पांच ही क्यों होते हैं? सब स्त्रियों के पांच ही क्यों होते हैं? चार क्यों नहीं होते? छह क्यों नहीं होते?
तो ये ज्ञान की प्रणाली पांच ही क्यों? तो देखो, इसके लिए इंद्रिय शब्द है, ये इंद्र की माया है, इसलिए इसका नाम इंद्रिय है। इंद्रो माया भी पुरुरूप ईयते, इंद्र अपनी माया से अनेक रूप मालूम पड़ता, इसी का नाम इंद्रिय है। देखो, माया माने इंद्रिय और इंद्रिय माने माया। इंद्रो माया भी पुरु, ये हमारे साथ ये जो चोला लगा है ना, जैसे कोई बाजीगर शेर के रूप में मंच पर आके प्रकट हो जाए तो उसने शेर की पोशाक पहन रखी है, ऐसे ये इंद्र जो परमात्मा है, ये माया का चोला पहन करके पचरंगा पांच इंद्रियों का ये आ करके हृदय मंच पर प्रकट हो गया है। अच्छा, फिर वो प्रश्न तो रह ही गया सीताराम, वो प्रश्न क्या है? देखो, जब एक सोने से बहुत जेवर बनाते हैं तो सुनार का कर्म उसमें हेतु होता है कि नहीं? एक ही सांचे में सोने को डालते जाओ, कंगन निकलते आवे, कुंडल निकलते आवे, हार निकलता आवे, तो उसमें इंद्र का उसमें सुनार का प्रयत्न है कि नहीं? कुम्हार के प्रयत्न से एक ही माटी में से अनेकों खिलौने और बर्तन निकलते हैं, लुहार के प्रयत्न से एक ही लोहे में से अनेकों औजार निकलते हैं, ऐसे ये इंद्र का प्रयत्न है जिससे हमारी इंद्रियां तरह तरह की बनी हुई हैं, माने इंद्र के कर्म से बनी हुई हैं। इंद्र का कर्म क्या है बाबा? आप जानते हैं ना, हाथ से कर्म होता है और उसका देवता है इंद्र। माने जैसे जैसे कर्म हैं, देखने की इच्छा पूरी करने के लिए जो प्रयत्न है, उस प्रयत्न से पंचभूत में आंख बनी, और सुनने की इच्छा पूरी करने के लिए जो प्रयत्न है, उससे पंचभूत में कान बने, और छूने की इच्छा पूरी करने के लिए जो प्रयत्न है, उससे त्वचा बनी, और सूंघने की इच्छा पूरी करने के लिए जो प्रयत्न है, उससे नाक बनी, और स्वाद लेने की इच्छा पूरी करने के लिए जो प्रयत्न है, बिना प्रयत्न के जड़ पंचभूत में पांच प्रकार के गोलक नहीं बन सकते। अब बोले भाई, ये इच्छा सूंघने की और स्वाद लेने की और देखने की और छूने की और सुनने की, ये तरह तरह की इच्छाएं कहां से आई? बोले, इच्छा तो ये तब देखने में आती जब संस्कार पहले से रहता है, संस्कार पहले से हो तब इच्छा का उदय होता है। तो बोले, पहले के संस्कार हैं क्या? बोले, पहले के कब? आदि संस्कार कब के? बोले भाई, जरा काल के बारे में विचार करो, जब तुम पहला काल पकड़ लोगे तो पहला देश और पहली वस्तु भी पकड़ में आ जाएगी। बोले, पहला काल तो पकड़ में नहीं आता, काल का भूत तो पकड़ में नहीं आता, भूत की आदि तो पकड़ में नहीं आती है। तब बोले भाई, कर्म से संस्कार, संस्कार से इच्छा, इच्छा से कर्म, कर्म से संस्कार, संस्कार से इच्छा, इच्छा से कर्म, यही शरीर और इंद्रियों के निर्माण के हेतु हैं। इसी से इंद्रिय पद की व्युत्पत्ति जो है ना व्याकरण की रीति से, इंद्र सृष्टम, इंद्र दत्तम, इंद्र जुष्टम, इंद्रियम। इंद्र ने माने कर्म के देवता ने जिसको बनाया, कर्म के देवता ने जिसको दिया, कर्म का देवता जिसके साथ जुड़ गया, इंद्र। इंद्र सृष्टम, इंद्र दत्ताम, इंद्र जुष्टम, उसको बोलते हैं इंद्रिय। तो ये विषय जिससे मालूम पड़ते हैं उसको इंद्रिय कहते हैं, और विषयों में हम परिवर्तन जिससे करते हैं उसका भी नाम इंद्रिय है। कैसे? हाथ से पकड़ लिया, इसको उठा के यहां से यहां रख दिया, ये गणेश का चित्र दिखता है, उलट दिया हाथ से तो दिखना बंद हो गया, और सीधा कर लिया तो दिखने लग गया। तो ये भी तो इंद्रिय है ना, हाथ भी इंद्रिय है, पांव से चलते हैं,
हाथ से पकड़ते हैं, जीभ से बोलते हैं, ये भी इंद्रिय हैं। अब ये जिसमें बने हुए हैं उनकी तरफ दृष्टि डालो तो ये पंचभूत जो स्थूल है ना, इनमें ये नहीं बनते। इंद्रियां स्थूल पंचभूत में जो गुण हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, उनको तो इंद्रियां प्रकाशित करती हैं, परंतु जिनमें शब्द स्पर्श रूप रस गंध मालूम पड़ते हैं, है ना, उन्हीं भूतों में दो भेद है, एक ग्राह्य भूत और एक ग्राहक भूत। तो ग्राह्य भूत जो है उसमें विषय, उसके आश्रित विषय हैं, और ग्राहक जो भूत है उसमें इंद्रियां बनी हैं, भूत सूक्ष्म में। पंच वो बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, पंच तन्मात्रा, तन्मात्रा जिसको बोलते हैं। तन्मात्र शब्द का अर्थ है संस्कृत में तदेव इति तन्मात्रम, केवल वही वही, उसका नाम तन्मात्र, तदेव इति तन्मात्रम। जरा देखो इसका मजा देखो, ये हम जो कागज देखते हैं इसका स्पर्श त्वचा से मालूम पड़ता है, और इसमें गंध हो तो नाक से मालूम पड़ेगी, और इसका रूप आंख से मालूम पड़ता है, हैं? और चखेंगे तो स्वाद भी मालूम पड़ेगा कुछ, तो इसमें तो पांचों चीज हुई ना। लेकिन इंद्रियां तो एक एक विषय को ही चखती हैं, जीभ केवल स्वाद बता सकती है, तो इसमें तो पांचों भूत हैं चित्र में, लेकिन स्वाद लेने वाली इंद्रिय में पांचों भूत नहीं है, उसमें केवल ग्राहक रस है, मान ज्ञानात्मक, ज्ञानात्मक रसना है, घ्राणात्मक नासिका है, घ्राणात्मक ज्ञान का नाम नासिका है, हो केवल गंध का ज्ञान जिससे हो वैसो। अब ये प्रश्न आया कि चित्र में तो पांचों भूत हैं और इंद्रियों में एक एक ही भूत हैं, इसका क्या मतलब हुआ, जीभ क्यों नहीं गंध बताती और नाक क्यों नहीं स्वाद बताती और आंख क्यों नहीं स्पर्श बताती और स्पर्श क्यों नहीं रूप बताता, और है तो इसमें पांचों। तो इसका मतलब हुआ कि विषय में तो पांचों मिले हुए हैं, ये वेदांत की प्रक्रिया है, बोला पंचीकृत पंच महाभूत से ये चित्र बना है और इंद्रियां, अपंचीकृत पंच महाभूत से इंद्रियां बनी हैं, अपंचीकृत पंचभूत से इंद्रियां बनी हैं। आप लोग वेदांत ज्यादा सुनते हो, है ना, ये मत समझना कि हम प्रक्रिया की बात सुनाने लग गए आपको, सीधे नहीं कहते कि तुम ब्रह्म हो, है ना, कितना सीधा सस्ती बात है, तुम ब्रह्म हो। तो एक एक तन्मात्र इसी को बोलते हैं, तन्मात्र बोलना माने जहां पृथ्वी पंचीकृत न होवे, अपंचीकृत पृथ्वी होवे उसको तन्मात्र बोलते हैं। उसमें भी तीन अंश होता है, सात्विक राजस और तामस। सात्विक पृथ्वी तन्मात्र से ज्ञानात्मक इंद्रियां बनती हैं, और राजस से क्रियात्मक और तामस से द्रव्यात्मक। ये शरीर जो है ना ये तामस है, और कर्मेंद्रियां जो है वो राजस हैं, और ये जो आंख आदि जो है ये, है ना, तो पृथ्वी तीन भाग में विभक्त हो गई, पंचीकृत, पंचीकृत पृथ्वी से जिसमें आठ आना पृथ्वी और दो आना जल, दो आना अग्नि, दो आना वायु और दो आना आकाश। पंचीकृत पृथ्वी से तो शरीर, और पंचीकृत पृथ्वी में ये गंधादि विषय, पशु पक्षी आदि के शरीर, और अपंचीकृत जो पृथ्वी है उसके सात्विक अंश से मन और इंद्रिय, उसमें भी कर्मेंद्रिय जो है इनमें भी भेद होता है, वो छोड़ते हैं अभी। तो आपको ये बात सुनाते हैं, अब मन का, मन भी अपंचीकृत भूत सूक्ष्म से ही बनता है, तो सात्विक से बनता है, लेकिन मन में, इंद्रियों में एक एक पंच, अपंचीकृत पंचभूत रहता है, बोला अपंचीकृत पंचभूत का सात्विक एक एक अंश रहता है इंद्रियों में, पृथ्वी का सात्विक अंश नासिका में, जल का सात्विक अंश जिह्वा में, ऐसे।
लेकिन मन में पांचों भूतों के अपंचीकृत सात्विक अंश रहते हैं। इसी से मन गंध से भी प्रेम करता है, रस से भी प्रेम करता है, रूप से भी प्रेम करता है, स्पर्श से भी प्रेम करता है, शब्द से भी प्रेम करता है, इनके बिना सो जाता है। ये सारी बातें मन में होती हैं, ये मन की स्थिति है। तो कहना तो यहां इतना ही था कि ये जो इंद्रियां हैं, इनसे परे जो इनके उपादान भूत अपंचीकृत पंचभूत हैं, ये सूक्ष्म पर शब्द का अर्थ किया हुआ है, माने इंद्रियों की अपेक्षा ये अर्थ सूक्ष्म हैं और महान हैं, बड़े हैं, विभू हैं, और प्रत्यगात्म भूत माने अंतरंग हैं। कपड़े में जैसे सूत अंतरंग है, वैसे इंद्रियों में ये पंचभूत जो हैं अंतरंग हैं। तो अब देखो, एक तो जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध का संसार मालूम पड़ता है वो कैसे, का इंद्रियों से। इंद्रियां कहां मालूम पड़ रही हैं, अपंचीकृत पंचभूत के सात्विक अंश में हैं इंद्रियां मालूम पड़ रही हैं, अपंचीकृत पंचभूत में। अपंचीकृत पंचभूत के स्थूलांश में गोलक और सूक्ष्मांश में क्रिया, राजसांश में क्रिया और सात्विकांश में ज्ञान, और मन मन में केवल सात्विकांश, और वो भी पांचों का बारी बारी से, बारी बारी से। गंधात्मक मन, रसात्मक मन, रूपात्मक मन, स्पर्शात्मक मन, शब्दात्मक मन, माने मन असल में ज्ञान ही है। वो विषय की उपाधि के भेद से पांच प्रकार का ग्रहण होता है। तो ये हुआ अर्थे व्यश्च परम मनः, इन अर्थों से परे मन है। और महान में चलो और प्रत्यगात्मा में चलो, इंद्रियों से बड़ी चीज मन अर्थ है, अर्थ से बड़ी चीज मन है, और इंद्रियों से भीतर अर्थ है और अर्थ से भीतर मन है, और विषयों से पास इंद्रियां हैं, इंद्रियों से पास अर्थ हैं, और अर्थ से भी पास मन है अंतरात्मा के, इसलिए ये प्रत्यगात्मा है। अब जरा मन और बुद्धि की तुलना देखो। अब ये देखो, विष्णु के परमपद की प्राप्ति हमको इसी स्थान में हो जाए, हो इसी शरीर देश में, इसके लिए ये प्रसंग है। मनसस्तु परा बुद्धि। मन क्या है, बोले ये मन कहीं जाता आता नहीं। हे भगवान, कभी हमारा मन जरा वृंदावन चला गया, नहीं समझना। अच्छा, तो हमारे मन में वृंदावन आ गया, हे भगवान, ये भी नहीं। न मन चल के वृंदावन गया, न वृंदावन चल के मन में आया, तो हुआ क्या, वृंदावन की याद आ गई तो क्या हुआ। कब जैसे बीज में से पेड़ जाहिर होता है, ऐसे मन में जो वृंदावन का संस्कार था वो जाहिर हो गया है? तो पहले से भरे हुए संस्कार के जाहिर होने का जो स्थान है उसको मन बोलते हैं। उस ज्ञान को जो संस्कार सहित है और जिसमें संस्कार के सहित स्फुरणाएं होती रहती हैं, जैसे बीज में से अंकुर निकलते रहते हैं। पर बुद्धि क्या है, बुद्धि तो और परे है, मन से भी सूक्ष्म है, मन से भी बड़ी है, और मन से भी प्रत्यगात्मा के पास है। वो कैसे, हे नारायण, आप विचार करके देखो कि आपके मन में जितनी भी बात आती है वो पहले से जानी हुई बात ही मन में आती है कि अनजानी बात मन में आती है। देखो, न तो वृंदावन आया, न तो मन यहां से वृंदावन गया, मन में पहले से विद्यमान जो वृंदावन के संस्कार हैं वे जाहिर हुए। अब इस बात को छोड़ो, एक विश्यालय का संस्कार जागृत हुआ, क्यों हुआ, चंडू खाने का संस्कार आया, जुआ खाने का संस्कार आया, न दुकान का संस्कार आया, क्यों आया, पहले से भरा हुआ है।
ये तो मन का काम दोनों है, दुकान को अपने हृदय में जाहिर कर देना ये भी मन का काम है, और वृंदावन को मन में जाहिर कर देना, जाहिर कर लेना ये भी मन का काम है। पर अब हमको चलना कहाँ है, वृंदावन जाना है कि दुकान जाना है, ये निर्णय करने की जरूरत है कि नहीं है, है ना। मन में चंडू खाने की भी याद आई और वृंदावन की भी याद आई, तो वृंदावन बढ़िया है और चंडू खाना घटिया है, ये निर्णय कौन करेगा, ये तो बुद्धि करेगी। अदृष्टादश्रुताद भावात न भावो उपजायते, जो चीज कभी देखी नहीं गई और कभी सुनी नहीं गई उसके बारे में कोई भाव मन में उदय नहीं हो सकता। अदृष्टादश्रुताद भावात न भावो उपजायते, अगर कभी वृंदावन के खूब याद आवे तो समझना कि पूर्व जन्म में तुम वृंदावन में गए हो और उसका संस्कार बैठा हुआ है तुम्हारे मन में, और चंडू खाने की ज्यादा याद आवे तो समझना कि पहले चंडू खाने में गए हुए हो, उसकी उसकी याद आती है। देख के किसी देख को, ये कालिदास का एक श्लोक है, रम्याणि वीक्ष्य मधुराश्च निशम्य शब्दान परिजुत सुखी भवति चेत सुखितोपि जंतु तच्चेतसा स्मरति नून मबोध पूर्वम भावस्थिराणि जननांतर सौहृदानि। कहते हैं किसी को सुंदर देखकर रम्याणि वीक्ष्य अथवा मधुराश्च निशम्य शब्दान, किसी शब्द को सुनकर, परिजुत सुखी भवति चेत सुखितोपि जंतु, यदि सुखी प्राणी के हृदय में भी उत्सुकता जागृत हो जाती है कि ये वस्तु हमको मिले तो बात कहां, तुम तो सुखी हो भाई, मजे में हो, है ना, अपने नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त ब्रह्म में स्थित हो, तुमको किसी से मिलने की इच्छा क्यों होती है, देखने की इच्छा क्यों होती है, और फिर वही आवाज सुनने की इच्छा क्यों होती है। बोले तो सचेतसा स्मरति नून मबोध पूर्वम, अनजान में ही उस व्यक्ति का, उस वस्तु का संस्कार भीतर बैठा हुआ है। भावस्थिराणी जननांतर सौहृदानी, दूसरे जन्म में जो हमारा तुम्हारा प्रेम था, है ना, उसके संस्कार चित्त में बैठे हुए हैं और वे उदय हो रहे हैं, छोड़ नहीं सकते। भावस्थिराणी जननांतर सौहृदानी, दूसरे जन्म के प्रेम भाव में स्थिर हैं और उनका स्मरण हो रहा है चित्त से। तो भाई मन में तो अच्छे बुरे दोनों ही आते हैं, स्त्री भी आती है, कृष्ण भी आता है, पुरुष भी आता है और कृष्ण भी आता है, सब आता है, दोनों आता है। अब निर्णय की आवश्यकता हुई, है ना, शुद्ध ज्ञान होवे तब निर्णय होवे, राग द्वेष विरहित ज्ञान होवे तब निर्णय ठीक होवे। तो बोले वो मन में उठने वाली वस्तुओं के बारे में जो हमारी बुद्धि निर्णय देती है ना, बुद्धि वो बोध है, बोधनात् बुद्धि, जो बोध देवे वो उसका नाम बुद्धि हुआ। बोले भाई ये कुल की कुल बात तो करी, पर ये सब व्यष्टि में विषयों का ज्ञान होता है, इंद्रियों से इंद्रियां रहती हैं शरीर में, शरीर के भीतर हृदय में मन रहता है, अरे मन से भी अंतरंग बुद्धि है। तो अभी तो तुमने ये शरीर के भीतर ही बाधा, शरीर ही में बुद्धि, शरीर ही में मन, शरीर ही में इंद्रियां, शरीर में ही विषयों का भान, इससे ऊपर तो उठे नहीं। तो बोले अब चलो, बुद्धेर आत्मा महान परा, ये जो बुद्धि है सबकी, जहां घेरे को लेकर के कैद होके बैठी है, हड्डी मांस चाम के पिंजड़े में बंद, अरे जरा बाहर निकलो, ये पिंजड़ा चिड़िया फंस गई है पिंजड़े में, ये महात्मा लोग स्वतंत्र होने की शिक्षा देते हैं, हो तुम्हारी दीनता छूट जाए, तुम्हारा बंधन छूट जाए, हैं? तुम जो जेल भोग रहे हो, कैद खाने में पड़े हुए हो, तो वहां से निकलो, ये परतंत्रता छुड़ाने की बात करते हैं। तो बुद्धेरात्मा महान परः, ये बुद्धि की भी एक समष्टि होती है,
वो भी भूत सूक्ष्म ही है। भूत सूक्ष्म का जो सात्विक अंश है उसमें जहां जहां तक है ना व्यष्टि इंद्रियों का संपर्क है वहां तक उसको अलग अलग मन और अलग अलग बुद्धि बोलते हैं, और जहां व्यष्टि इंद्रियों और व्यष्टि विषयों का संपर्क छोड़ के देहाभिमान छोड़ के जरा बुद्धि की तरफ दृष्टि डालो तो क्या मालूम पड़ेगा कि बुद्धेर आत्मा महान आत्मा, महान आत्मा माने महत्तत्व, पर है, पर है माने बड़ा भी है सूक्ष्म भी है और प्रत्येक आत्मा भी है। वो बुद्धि जिसमें अपनी पराई बुद्धि का कोई भेद नहीं है, है? वो बुद्धि तो इसको दैवत दृष्टि से दूसरा बोलते हैं हो, आराध्य दृष्टि से दूसरा बोलते हैं, इनके नाम अलग अलग हैं, और भौतिक दृष्टि से अलग बोलते हैं। तो भौतिक दृष्टि से तो इसको बोलते हैं महत्तत्व, और देवता दृष्टि से बोलते हैं इसको हिरण्यगर्भ। चैतन्य की प्रधानता हुई तो हिरण्यगर्भ हो गया, और जड़ की प्रधानता हुई तो महत्तत्व हो गया। जड़वादी इसको महत्तत्व कहते हैं और देवतावादी इसको हिरण्यगर्भ कहते हैं। और वही देवतावादी एक एक ब्रह्मांड में जब इसको अलग अलग मानते हैं ना तब ब्रह्मा बोलते हैं। यही चीज एक एक शरीर में बुद्धि के नाम से कही जाती है, और अनंत कोटि ब्रह्मांडों की समष्टि में ये महत्तत्व के नाम से है, और उस समष्टि में जो चैतन्य है उसको हिरण्यगर्भ नाम से कहते हैं, और उसी के जो बच्चे ब्रह्मांड हैं एक एक अंडे में, एक एक अंडे में ब्रह्मा विष्णु महेश, हिरण्यगर्भ ने जो अनगिनत करोड़ों अनगिनत अंडे दिए हैं हिरण्यगर्भ ने, हिरण्यगर्भ ने महत्तत्व के संयोग से है ना प्रकृति की बेटी महत्तत्व रूपा समष्टि बुद्धि है, और उसमें प्रतिबिंबित जो आत्म चैतन्य उसका नाम हिरण्यगर्भ। तो हिरण्यगर्भ जो है वो बुद्धि के सहयोग से कोटि कोटि अंडे देता है, और उन अंडों में ब्रह्मा विष्णु महेश अलग अलग होते हैं। सब ब्रह्मांडों में एक एक ब्रह्मा एक एक विष्णु एक एक महेश रहते हैं, और शरीर शरीर में ये जीवात्मा होता है। तो असल में न तो शरीर शरीर में जीवात्मा का चैतन्य अलग अलग है, और न तो ब्रह्मांडों में ब्रह्मा विष्णु शिव का चैतन्य अलग अलग है, और न तो महत्तत्व में हिरण्यगर्भ का चैतन्य अलग है, और उससे परे अव्यक्त है माया है। वो महत्तत्व से बड़ी भी है अव्यक्त, बड़ा भी है अव्यक्त, और सूक्ष्म भी है और प्रत्यगात्मा भी है। उसमें महत्तत्व कभी डूब जाता है कभी जाहिर होता है। तो उस अव्यक्त में जो जड़ता है महत्तत्व की जो कारणता है उसको अव्यक्त बोलते हैं प्रकृति, और जो हिरण्यगर्भ की कारणता है उसको ईश्वर बोलते हैं। और जब कार्य कारण भाव को काट देते हैं ना अविद्या को काट देते हैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त ब्रह्म में है न अव्यक्त जड़ है न अव्यक्तावच्छिन्न चैतन्य ईश्वर है, न अवच्छिन्नता नहीं है उसमें, और न तो महत्तत्व है न हिरण्यगर्भ है, न उसके कोटि कोटि अंडे हैं न उनमें ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, और न तो ये उनमें रहने वाले ये कोटि कोटि कीटाणु हैं शरीर रूप जिनमें ये जीव है। अनंत शुद्ध बुद्ध मुक्त अव्यक्तात् पुरुष परः, उस अव्यक्त से भी, अव्यक्त तो बीज आत्मा है, उसको भी वेदांत की भाषा में भूत सूक्ष्म ही कहते हैं। न वेद्यते केनापि प्रमाणेन, ये सांख्य में जिस प्रकृति का वर्णन है वो नहीं, ये अज्ञान है, ये अविद्या है, ये माया है। ये वेदांत में प्रतिपादित बीजात्मक सत है, ये सचैतन्य होने के कारण ईश्वर रूप है, ईश्वर रूप है। तो ईश्वर और ईश्वर का शरीर अव्यक्त,
हिरण्य गर्भ और उसका शरीर महत्तत्व, महत्तत्व और त्रिगुण और उसका अभिमानी अहंकार, अहंकार हो। अब इसके बाद विराट है ना, तो विराट हिरण्य गर्भ और ईश्वर, ये पद्धति इसकी हुई कि अव्यक्त माने बीजात्मक जो सत है वो तो ईश्वर सच्चिदानंद, बीज सहित जो सच्चिदानंद है वो ईश्वर, और महत्तत्व सहित जो सच्चिदानंद है वो हिरण्य गर्भ है, हिरण्य गर्भ। और फिर उसमें त्रिगुण, त्रिगुण की अभिव्यक्ति होने पर जो सच्चिदानंद है वो विराट, और फिर उस विराट में अनंत कोटि ब्रह्मांड और उसमें अनंत कोटि ब्रह्मा विष्णु महेश और उनमें अनंत कोटि शरीर, और असल में चैतन्य जो है वो जो माया में है, अव्यक्त में है, अविद्या में है, जो चैतन्य मूल कारण में है वही चैतन्य इस शरीर में भी है, और उस अखंड चैतन्य की दृष्टि से माया से लेकर के शरीर पर जान ये सब का सब बाधित है, बाधित है माने मिथ्या है, उस अखंड चैतन्य में ब्रह्म में ये सब कुछ है ही नहीं। तो पुरुषान न परम किंचित सा काष्ठा सा परागति ही, आज 7:15 बजे बंद करना है, पुरुषान्न परम किंचित सका सा काष्ठा सा परागति ही, ये पुरुष ही आत्मा है। अब इससे परे न परम ना अपरम, उपनिषद में आया है कि उसका कोई पर भी नहीं है और अपर भी नहीं है, माने उससे कोई बड़ा भी नहीं और उससे कोई छोटा भी नहीं, उससे कोई बाहर भी नहीं, उससे कोई भीतर भी नहीं, उसके कोई पहले भी नहीं, उसके कोई पीछे भी नहीं, उससे कोई स्थूल भी नहीं, उससे कोई सूक्ष्म भी नहीं, ये पुरुष ही अखंड वस्तु है, अपरिच्छिन्न ब्रह्म वस्तु है, यही काष्ठा है, यही परागति है, और यही विष्णु का परम पद है जिसकी प्राप्ति होने के बाद मार्ग नहीं रहता है, माने कहीं आना जाना नहीं रहता, न नरक में जाना होगा, न स्वर्ग में जाना होगा, न ब्रह्मलोक में जाना होगा, न जन्मांतर रूप स्मृति रहेगी, है ना। सर्वथा नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त ब्रह्मात्मना अवस्थान जो है वो यही है, अपने स्वरूप का ज्ञान, अपने स्वरूप को विष्णु के परम पद के रूप में जानना। विष्णु का परम पद तत्पदार्थ है और पुरुष जो है ये त्वम पदार्थ है, और दोनों की एकता जो श्रुति ने बताई वो तत्वमस्यादि महावाक्य का अर्थ है। ओम कल भाई।